नमस्ते बंधुओं, मित्रों, देखिए आज मैं आपको कमरक के गुणों के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रकृति माँ ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के फल, सब्जियाँ और अन्न पैदा किए हैं। उन्हीं में से एक फल है कमरक। देखिए यह सारा संसार पांच तत्वों से मिलकर बना है, मिट्टी से, पानी से, हवा से, अग्नि से और आकाश तत्व थे। तो देखिए परमपिता परमात्मा की देन, देखिए कमरक में पांचों तत्व हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, देखिए पांचों तत्व हैं कमरक में। इसमें अग्नि भी है, वायु भी है, जल भी है और आकाश तत्व भी है। यानी कि पांचों तत्व कमरक में दिए हैं। और दोस्तों, और प्रकृति माँ का एक गुण और सबसे बड़ा अच्छा नजर आ रहा है, जाड़े में ही कमरक आती है। डॉक्टर लोग सर्दी के लिए विटामिन सी की टेबलेट देते हैं और कमरक विटामिन सी का भंडार है। और मित्रों, प्रकृति ने जाड़ों में अधिकतर फल खट्टे ही होते हैं, जैसे संतरा भी जाड़े में ही आता है, आंवला भी जाड़े में आता है, स्ट्रॉबेरी भी जाड़े में आती है। और हम बच्चों को रोकते हैं कि खट्टी चीज़ें नहीं खाने चाहिए, नहीं, कमरक बच्चों का बहुत प्यारा फल है। प्रकृति माँ कभी भी अपने बच्चों को दुख दे ही नहीं सकती। और दोस्तों, कमरक खाने से विटामिन सी भरपूर मिलता है जो हड्डियों को मजबूत करता है और स्कर्वी नाम का रोग नहीं होता। कमरक खाने से खुश्की नहीं आती शरीर में विटामिन सी के कारण। कमरक एंटीऑक्सीडेंट तत्व मिलते हैं और कमरक का जूस पीने से बॉडी में एक लचीलापन आता है। और कमरक खाने से फोलिक एसिड, विटामिन B6, विटामिन B9 की पूर्ति होती है। और दोस्तों, कमरक में विटामिन ए बहुत होता है जो आँखों के रोग में लाभ देता है। तो बड़े लोग कमरक की चटनी खाया करें, इसको स्टार फूड भी कहते हैं। और दोस्तों, जिनका पेट साफ नहीं होता तो कमरक चटनी के रूप में, सब्जी के रूप में, अचार के रूप में, किसी के रूप में खाएं, क्योंकि इसमें फाइबर अधिक होता है। एक कमरक खाने से पूरे दिन में जितने विटामिन सी की ज़रूरत है तो केवल एक कमरक से ही मिल जाती है। और दोस्तों, कमरक खाने से कैंसर से लड़ने वाले जो रोग प्रतिरोधक तत्व तो होते हैं वो पैदा होते हैं। और इसमें कमरक में BP कंट्रोल करने का अद्भुत गुण होता है पोटेशियम होने के कारण, और हृदय रोग को रोकता है। और कमरक खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। और दोस्तों, जिनको कब्ज रहती है वो कमरक को अवश्य खाया करें। और ये दांतों को, मसूड़ों को, मवाद मसूड़ों से ब्लड आता है, मसूड़े सूज जाते हैं, उनके लिए कमरक बहुत लाभ करता है और जोड़ों के दर्द में बहुत लाभ करता है। और दोस्तों, ये इंसुलिन भी बनाता है, तो शुगर के रोगी कमरक को खाया करें। और ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है। और दोस्तों, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और LDL कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। तो मित्रों, हमको जो प्रकृति माँ की चीज़ें हैं, प्रकृति दे रही है, नेचर इज द गॉड, तो उसको
ज्यादा तले भुने नहीं, जैसे प्रकृति दे उसी प्रकार उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि तलने भुनने से उसके ओरिजिनलिटी के गुण नष्ट होते हैं। जितने पशु पक्षी जंगल के जो जानवर हैं वो तो कभी बीमार अधिक अधिक होते नहीं हैं, क्यों कि वो बंदरों को देख लो, बंदर तो हमें कहीं बीमार नजर नहीं आते, 10-20 बंदर नहीं कहीं मरते, केवल पत्ते खा करके फल खा करके एक बंदर पूरे जीवन काट देता है और मनुष्य हॉस्पिटलों के चक्कर काटता रहता है। अज्ञानता अशिक्षा हमारे दुख का कारण है। तो दोस्तों आप नॉलेज इज द बेस्ट पावर, परमपिता परमात्मा ने मनुष्य के अंदर सभी पशु पक्षियों जानवरों से नंबर वन नॉलेज दी है, तो उसको अपनी बुद्धि के आधार पर चलना चाहिए। मैं जयपाल सिंह आर्य, एक्यूप्रेशर एवं प्राकृतिक चिकित्सक, मेरा मोबाइल नंबर 98-97-35-83-04। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नेचुरली ज्ञान मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।